पहला सवाल यह है कि दीन में नई चीजें आई, कोई है जो कर रहा है दीन में इबादत में नई चीजें, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था? ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता और आज के लोगों को पता चले? ऐसा हो ही कैसे सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही मिलती थी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला जरूर बता देता कि ऐ नबी ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता और हमें पता है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सबसे बेस्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम है, खैरुल कुरून है, जो सहाबा ताबईन तबे ताबईन जिनका जज्बा आपके और मुझसे बहुत ज्यादा था, ऐसा कैसे हो सकता है वो लोग नहीं किया अमल और हम लोग कर रहे हैं? मतलब हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं क्या? वो लोग नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरी चीज, ऐसा कैसे हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक या अय्युहर रसूल, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तो काम दिया गया था, पहुंचा दीजिए। ऐसा हो ही कैसे सकता है कि उन्होंने नहीं पहुंचाया? नंबर चार, ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम को जो दीन मिला था वो कैसे चेंज हो गया? आज ईसाई इस्लाम पे क्यों नहीं है? आज यहूदी इस्लाम पे क्यों नहीं है? क्यों वो दीन बदल गया? क्योंकि वो लोगों ने दीन में नई नई चीजें लाए तो ओरिजिनल क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जो उनके लिए गलत था वही चीज हम करेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके लिए गलत और हमारे लिए सही? वो लोगों ने किया गलत और हम वही काम करें दीन में नई चीजें लाने का और हमारे लिए सही हो जाएगा, वो कैसे हो सकता है? और इस्लाम तो दीन ऑफ रिलीजन ऑफ प्रूफ है, इस्लाम वो दीन है जो महफूज दीन है, ये वो दीन है, इसमें अल्लाह ताला का कलाम कुरान महफूज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें महफूज है। सिर्फ हदीस ही नहीं, हदीस को जो रावी बयान कर रहे हैं नरेटर्स, उनकी जिंदगियां भी महफूज है और वो भी सनद के साथ। तो हम देखते हैं कि ये प्रूफ वाला दीन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्रूफ वाले दीन में बगैर प्रूफ वाली चीजें आ जाए, दीन में नई चीजें? अगर नई चीजें आ सकती, प्रूफ देखने की क्या जरूरत है? प्रूफ देखने की क्या जरूरत है? फिर तो सब चीज मिलावट करो, नई नई चीजें लाओ, फिर वही ओरिजिनल बदल जाएगा ना। फिर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।